हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विद आमिल हुसैन में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी तक के सफ़र में हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट की डिफिनेशन पढ़ी, मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि ये मोल कॉन्सेप्ट एक बहुत ही विशाल टॉपिक है, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स आएंगे और जब तक हम डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम नहीं करेंगे तब तक हमें इस कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं आ पाएगी। तो हमारा यही मोटो है कि हम डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम कर लें ताकि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे वो कितना भी वेरिएशन लिए हुए हो, हम उसे करने में सक्षम हों। तो उसी सीरीज़ में इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोग मोलैरिटी की डिफिनेशन पढ़ चुके थे और मोलैरिटी को फार्मूले के बेसिस पे कैसे सॉल्व किया जाए ये भी सीख लिए थे। तो आज का लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज जो है हम लोग मोलैरिटी के क्वेश्चंस बिना फार्मूले के सॉल्व करेंगे बकेट स्पून कॉन्सेप्ट यूज़ करके, जो बच्चों मैंने बनाया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी बहुत पसंद आएगा, इसलिए कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखिए। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके हेल्प करने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझते हैं। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ट्वेंटी ग्राम NaOH इफ इट इज डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। पिछले लेक्चर में हमने यही क्वेश्चन फार्मूले का इस्तेमाल करके सॉल्व किया था। अब हम इसको बकेट स्पून कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं बकेट स्पून कॉन्सेप्ट। बच्चों ये रहा बकेट और ये रहा स्पून। जैसा कि मैंने मोलैरिटी की डिफिनेशन में लिखवाई थी कि इट इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, डिजॉल्व्ड इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों मेन ऑब्जर्वेशन मैंने बताया था कि मोलैरिटी इज़ नथिंग बट इट इज़ रिलेशन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट और सॉल्यूशन के बीच का ये रिलेशन है। तो बच्चों मैं इसको बकेट स्पून में इस डिफिनेशंस को पिरोऊंगा और फिर ये हमारा एक रूल बन जाएगा और उसके बाद हम लोग इसी का इस्तेमाल करके बड़े से बड़ा प्रॉब्लम जो है बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए डिफिनेशन में है इट इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो बच्चों हम स्पून में लेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, लेंगे स्पून में। हुआ ये कि एक दिन मैं टहलते हुए जा रहा था तो मेरी मुलाकात स्पून से हुई। तो मैंने स्पून से कहा स्पून स्पून बताओ हाउ आर यू, तुम कैसे हो। तो स्पून ने कहा आई एम फाइन, मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे दिन बहुत अच्छे गुजर रहे हैं और आपने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है, बड़ा ही मेरी मदद की है। तो हमने कहा चलो ठीक है, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, अगर तुमको जो कुछ मांगना हो मांग लो। तो इसने कहा कि ऐसा है मुझे जो है सॉल्यूट चाहिए। हमने कहा ठीक है आप सॉल्यूट ले लीजिए, आप चाहें तो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन भी ले सकते हैं, लेकिन इसने कहा नहीं मुझे सिर्फ सॉल्यूट चाहिए। हमने कहा ठीक है मैं सॉल्यूट आपको दे दूंगा, लेकिन चम्मच ने ये कहा कि देखिए मुझे सॉल्यूट चाहिए लेकिन वो ग्राम में नहीं चाहिए, किलोग्राम में नहीं चाहिए, नहीं कुंटल में चाहिए, मुझे किस में चाहिए, मोल में चाहिए। तो स्पून ने कहा मुझे सॉल्यूट चाहिए बच्चों और किस में चाहिए, मोल्स में चाहिए।
ठीक है, तो यहां पर आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो हम आज के बाद से स्पून के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या रखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रखेंगे। क्लियर। अब देखिए बकेट पे, जब बकेट ने ये देखा कि स्पून के ऊपर काफी कृपा हुई है तो मेरे ऊपर कृपा हो जाए, हमने कहा चलिए ठीक है, हम आपसे भी बहुत खुश हैं, आप भी कुछ मांग लीजिए। तो बकेट ने कहा कि देखिए सर, बकेट ने कहा कि देखिए मुझे जो है सोल्यूशन चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सोल्यूशन चाहिए। हमने कहा ठीक है आप सोल्यूशन ले लीजिए, हमने कहा 1000 सोल्यूशन ले लीजिए कि 10000 सोल्यूशन ले लीजिए कि 50000 सोल्यूशन ले लीजिए, क्या लेंगे आप। इसने कहा ऐसा है, मुझे 1 लीटर सोल्यूशन चाहिए, 1 लीटर सोल्यूशन चाहिए। 1 लीटर को आप 1000 ml भी कह सकते हैं। तो 1 लीटर या 1000 ml सोल्यूशन बकेट को चाहिए बच्चों। तो ये है आपका स्पून और ये रहा आपका बकेट। तो आज के बाद से हमने चम्मच के साथ वादा कर लिया, स्पून के साथ वादा कर लिया कि आपको हम सॉल्यूट देंगे, सॉल्यूट नहीं सॉल्यूट देंगे, और वो भी किस में देंगे, मोल्स में देंगे। मैंने चम्मच से पूछा, चम्मच चम्मच ये बताओ कितना मोल चाहिए, चम्मच ने कहा तेरी जितनी औकात हो, तेरी जितनी औकात हो डाल देना, कोई बात नहीं। लेकिन बच्चों बकेट के ऊपर जो है, बकेट के ऊपर कंडीशंस अप्लाइड है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 लीटर या 1000 ml सोल्यूशन ही आप ले सकते हैं, 1 लीटर या 1000 ml सोल्यूशन ही आप बकेट में ले सकते हैं। जैसे दीपावली का मौसम जब आता है तो ऐड देखे होंगे आप लोग, लिखा होता है कि 1 रुपए में कार ले जाइए और स्टार बना होता है वहाँ पे, और उस स्टार का मतलब जब आप नीचे देखते हैं तो लिखा होता है कि इसकी रिकवरी दीपावली के बाद की जाएगी। तो एग्जैक्टली वही हाल यहाँ है कि स्पून के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहे जितना ले लीजिए, लेकिन बकेट में सिर्फ और सिर्फ 1 लीटर या 1000 ml सॉल्यूशन ही लेंगे। तो बच्चों ये है क्या, बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये जो है डेफिनेशंस, जैसे जो डेफिनेशन था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी, उसी को मैंने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में ऐसे दिखा दिया। चूंकि हमारा माइंड जो है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में चीज़ों को ज़्यादा तेजी से पकड़ता है, इसलिए हमने ये कॉन्सेप्ट बनाया, और इससे यकीनन सारा क्वेश्चन बड़े आसानी से लग जाएगा। तो देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। तो बच्चों हमारा तरीका क्या है कि आप स्पून को खुश कर दीजिए और बकेट को खुश कर दीजिए। स्पून कैसे खुश होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दे दीजिए खुश, और बकेट को आप 1000 ml सॉल्यूशन दे दीजिए खुश, दोनों को खुश करिए, आंसर 100% आ जाएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वेरी गुड। बच्चों एक बात और, क्या हम यहाँ पे सॉल्वेंट ले सकते हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि डेफिनेशन में दिया हुआ है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। आई बात समझ में। तो चलिए आज के बाद से जब भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आप सॉल्यूट ढूंढेंगे और सॉल्यूशन ढूंढेंगे बच्चों। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 20 ग्राम NaOH, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 20 ग्राम NaOH इफ इट इज डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा 20 ग्राम NaOH क्या हो गया आपका, सॉल्यूट हो गया। 20 ग्राम NaOH क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। और सॉल्यूशन ढूंढिए आप, तो लिखा हुआ 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो है आप बकेट पे लिख दीजिए, कितना, 100 ml सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन यहां लिख दीजिए। और मैं फिर से बना देता हूं ताकि क्लैरिटी ज्यादा हो। देखिए बेटा, ये रहा बकेट और ये रहा स्पून। तो स्पून में क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। वैसे क्वेश्चंस पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद सॉल्यूट को यहां रिपीट करते हैं। सॉल्यूट कितना है, 20 ग्राम NaOH, और सॉल्यूशन कितना बेटा, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन है आपका। क्वेश्चंस पढ़ें, सॉल्यूट और सॉल्यूशन को लिख दिए।
अब इंडिविजुअल मीटिंग करते हैं। हेलो स्पून, हाउ आर यू? स्पून का मुंह फुला हुआ है, स्पून बहुत नाराज है क्योंकि वादा किस में हुआ था? मोल्स में, और हमने क्या दिया बेटा? ग्राम में दे दिया है। तो स्पून का मुंह फुला हुआ है, स्पून जो है बहुत नाराज है, तो फिर हमने स्पून को खुश करने के लिए क्या कर दिया? इसको मोल में चेंज करना होगा क्योंकि वादा तो मोल में हुआ था। तो क्या हो गया? मोल में कैसे चेंज करेंगे? ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यानी वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट। इन एनएमएच के कितना होता है बेटा? 40। तो कितना आ गया ये? हाफ मोल, हाफ मोल आ गया। नाउ द स्पून इज क्वाइट हैप्पी, नाउ द स्पून इज क्वाइट हैप्पी। अब स्पून हमारा काफ़ी खुश है। अब ये खुश है तो इसको छोड़िए, यहाँ आइए। हेलो बकेट, हाउ आर यू? बकेट भी नाराज है। बकेट से वादा कितना हुआ था? 1000 ml सोल्यूशन देने का, यहाँ पे कितना दिए हैं? 100 ml सोल्यूशन। ये भी काफ़ी नाराज है। तो मैंने मैथ से पूछा, मैथ ये बताओ कि 100 ml सोल्यूशन को हम 1000 कैसे बनाएंगे? तो मैथ ने कहा कि आप यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो बेटा जैसे ही आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया ये 1000 ml सोल्यूशन। तो जब आपने 10 का मल्टीप्लाई यहाँ किया तो आपको पूरा हक है कि 10 का मल्टीप्लाई यहाँ भी कीजिए, और 2 5 का कितना हो गया? 10, और यही आपका हो गया आंसर 5 m। और पिछले वीडियो में भी मैंने इसको फार्मूले से सॉल्व किया था, तो आंसर भी हमारा क्या आया था? 5 m ही आया था बच्चों। तो चाहे आप फार्मूले लगा के करिए या इस तरीके से करिए, यू विल ऑलवेज गेट द सेम आंसर। इस तरीके से करेंगे तो विदाउट यूजिंग एनी फार्मूला हो जाएगा, और इसी पे आपको कमांड करना है ताकि नीट और जेई मेंस में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, सब इसी तरीके से हो जाएंगे। आपको इसको नोट कर लीजिए, और एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस और कराता हूँ। राइट डाउन, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 40 ग्राम H2SO4 इफ इट इज डिजॉल्व इन If it is dissolved in 300 ml of solution, 300 ml of solution। तो बच्चों इसको सबसे पहले फार्मूले से करते हैं, और फिर फार्मूले के बाद हम बकेट स्पून कॉन्सेप्ट से करेंगे। तो देखिए फार्मूला लगाएं, n बराबर क्या होता है, यानी मोलैरिटी को हम बेटा किससे लिखते हैं? m से। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है? n बाई वी, कल बताया था मैंने, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्या हो गया? मोल्स कितना हो गया बेटा? 40 ग्राम डिवाइडेड बाई H2SO4 का मॉलिकुलर वेट। मॉलिकुलर वेट ऑफ H2SO4 कितना होगा? 98। निकालना हो तो निकाल लीजिए, सल्फर का 32, H2 का 2, और ऑक्सीजन का 1, ऑक्सीजन का 16, तो 4 का 64। तो ये हो गया आपका 98, 40/98, ये हो गया बेटा आपका मोल, और डिवाइडेड बाय क्या होगा? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किस में है? 300 ml। तो इसको लीटर में चेंज कर दें, 300/1000। इसको सॉल्व कर लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, मोलैरिटी आ गई आपके। तो आप अगर 11th में हैं तो स्कूल में इस तरीके से आप क्वेश्चन को करिएगा, लेकिन अगर आप जेई और मेंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जेई मेंस और नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो बच्चों आपको इस तरीके से सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि छोटा से छोटा प्रॉब्लम तो आ जाएगा, लेकिन बड़े से बड़े प्रॉब्लम में भी इस टेक्निक का इस्तेमाल करना हमको, बकेट और स्पून का, ठीक है। तो हम स्पून से बच्चों क्या वादा किए थे? हम स्पून से यही वादा किए थे कि स्पून मैं तुमको सॉल्यूट दूंगा, वो भी किस में दूंगा? मोल्स में। तो मैंने, मेरा तरीका क्या है कि सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और सॉल्यूट ढूंढते हैं। तो सॉल्यूट कितना बेटा? 40 ग्राम 40 ग्राम H2SO4, ये हमारा सॉल्यूट हो गया।
और 300 ml ऑफ सोल्यूशन है, 300 ml ऑफ सोल्यूशन है। अब देखिए, स्पून को खुश कर दें, बकेट को खुश कर दें, आंसर आ जाएगा। तो देखिए बेटा, 40 ग्राम H2SO4, तो हम क्या करें कि स्पून खुश हो जाए। स्पून से वादा हुआ था हम आपको मोल में देंगे, तो क्या करूं, 40 डिवाइडेड बाई 98, और ये क्या आ गया, मोल। अब चम्मच क्या हो गया, खुश हो गया। अब इधर आ जाइए, मैंने मैथ से पूछा, यहाँ बेटा बकेट भी नाराज है, क्योंकि बकेट से वादा हुआ था कि हम आपको 1000 ml सोल्यूशन देंगे, और यहाँ क्या दिए हैं, 300 ml सोल्यूशन दिए हैं, तो बकेट काफ़ी नाराज है। इसको खुश करने के लिए मैंने मैथ से पूछा, मैथ ये बताओ कि 300 ml सोल्यूशन को 1000 ml सोल्यूशन में कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए, तो मैथ ने कहा बहुत आसान है, आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बेटा 10 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 300 × 10 कितना हो गया, यानी 300 × 10 कितना हो गया, 3000, और डिवाइडेड बाय क्या कर दें, 3, तो कितना हो गया, 1000। तो कहने का मतलब यह है कि आपने 1000 बनाने के लिए क्या किया, इसे 10/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब आपने 10/3 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो आपको पूरा हक है कि 10/3 का मल्टीप्लाई यहाँ भी कीजिए, और यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा आंसर आपका, 400, यानी 14 × 10 कितना हो गया, 400, और ये कितना हो जाएगा, 1000 ठीक है। इसमें बेटा ये है कि जितना मल्टीप्लाई आप देखिए, इसको 1000 कंडीशन इस पे अप्लाई था, तो 1000 बनाने के लिए जितने का मल्टीप्लाई आप इधर करिएगा, उतने का ही मल्टीप्लाई आपको यहां कर देना होगा, और यही वाला पोर्शन आपको आंसर दे देगा, यही तरीका बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ताकि और भी ज्यादा क्लैरिटी आए। राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH इफ द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml। ये क्वेश्चन है बेटा, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 20% NaOH इफ द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml। ये तो देखिए बच्चों, बकेट स्पून कॉन्सेप्ट से कितने आसानी से इस प्रॉब्लम को हम लोग कर लेंगे, ठीक है। याद करिए कि मैंने परसेंटेज रिलेशनशिप में बताया था कि केमिस्ट्री के अंदर तीन तरीके का परसेंटेज रिलेशनशिप का नोटेशन है। एक होता है परसेंटेज वेट बाय वेट, दूसरा होता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, और तीसरा होता है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये तीन तरीके होते हैं, और अगर क्वेश्चंस में कुछ न दिया हो तो क्या मान के चलते हैं, परसेंटेज वेट बाय वेट। जैसा कि यहाँ कुछ नहीं दिया है, यहाँ सिर्फ लिखा है 20% NaOH, तो आपको क्या मान लेना है यहाँ पे बच्चों, 20% वेट बाय वेट, ये मान लेना बेटा। कुछ न दिया हो तो परसेंटेज वेट बाय वेट मान के चलते हैं। देखिए, याद करिए कि मैंने परसेंटेज रिलेशनशिप में आपको सिखाया था कि जो पहला होता है वो सॉल्यूट होता है, और जो दूसरा होता है वो क्या होता है बेटा, सोल्यूशन होता है। चूंकि परसेंटेज रिलेशनशिप 100 में होता है, तो इसलिए लास्ट वाला जो होता है, यानी जो सोल्यूशन होता है, वो कितना होता है, 100 होता है, और वेट का यूनिट क्या होता है, ग्राम। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, ग्राम, 100 ग्राम, ठीक है। और यहाँ पे बेटा वेट है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ग्राम। तो आप ऐसे लगा के इसको पढ़ेंगे, तो क्या हो गया,
20 ग्राम सॉल्यूट। देखिए आपको याद करने की जरूरत नहीं है, चीजों को देख लीजिए, समझ लीजिए, एक बार देख लेंगे जीवन में कभी भी आपको भूलेगा नहीं, मरने के बाद भी नहीं भूलेगा पक्का। देखिए 20 ग्राम सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन, मैं बोला था इज डिजॉल्व्ड इन, आपको अपने पास से बोलना होता है 20 ग्राम सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। और मोलैरिटी वाले क्वेश्चंस में अगर परसेंटेज का नोटेशन दिया हो तो परसेंटेज नोटेशन भी क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्यूशन का रिलेशनशिप, और मोलैरिटी भी क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्यूशन का रिलेशनशिप। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो देखिए बच्चों हमें क्या चाहिए, सॉल्यूट चाहिए, तो कितना आ गया 20 ग्राम सॉल्यूट, तो यहां लिख दूं क्या 20 ग्राम सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो यहां पे लिख बेटा लिख दूं 100 ग्राम सॉल्यूशन, क्योंकि बकेट से वादा हुआ था कि हम आपको सॉल्यूशन देंगे और वो भी 1000 ml सॉल्यूशन देंगे। अब आइए क्वेश्चंस पढ़ने के बाद हम यहां पे जो भी दिया है वैल्यू सॉल्यूट और सॉल्यूशन का उसको लिख देंगे। अब क्या करें बच्चों, अब इंडिविजुअल मीटिंग करते हैं स्पून के साथ। हेलो स्पून, हाउ आर यू, कैसे हो, बढ़िया हूं। लेकिन आपने वादा खिलाफी की है, ये स्पून बोला कि मैं बढ़िया हूं लेकिन आपने वादा खिलाफी की है, आपने कहा था मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए और आप मुझे ग्राम में पकड़ा दी। हमने कहा कोई बात नहीं तो मैं इसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दूंगा। तो बच्चों NaOH का बता चुका हूं कि NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 40 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये बेटा कितना हो गया 20/40, तो कितना हो गया हाफ मोल। अब जैसे ही हाफ मोल लिखे चम्मच मुस्कुरा दिया और हम भी खुश हो गए। देखिए अब ये खुश हो गया, इसको छोड़िए, अब यहां आइए। इस बार बाल्टी तो बहुत नाराज है, बहुत ज्यादा नाराज है बाल्टी इस बार, इसलिए क्योंकि हमने वादा किया था कि हम आपको 1000 ml सॉल्यूशन देंगे और हम यहां क्या थमाए बच्चों 100 ग्राम सॉल्यूशन। 1000 ml की बात हुई थी बच्चों, हर एक बात पे ध्यान देना आपको, वरना कॉन्सेप्ट जो है मिस हो जाएगा। वहां क्या था डेफिनेशन में 1000 ml सॉल्यूशन और हम यहां क्या दे रहे हैं 100 ग्राम सॉल्यूशन, वहां ml था यहां ग्राम है। तो अब सवाल यह उठता है कि सबसे पहले ग्राम को हम किस में चेंज करें, ml में, ग्राम को ml में। तब तक क्वेश्चन पढ़े तो देखे कि दिया हुआ डेंसिटी दिया हुआ, और डेंसिटी जो होता है बच्चों एक जादुई फार्मूला होता है डेंसिटी में, D is equal to m by v। और हमें क्या चाहिए बेटा, वॉल्यूम चाहिए, तो V is equal to क्या हो जाएगा m by d, V is equal to m by d, यानी दिए गए मास में अगर डेंसिटी से डिवाइड कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो बेटा दिए गए मास में, यहां देखिए क्या है, दिए गए मास में अगर हम किससे डिवाइड कर दें, डेंसिटी से, तो डेंसिटी कितना 1.2 ग्राम पर ml। तो देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया, ml कहां चला जाएगा ऊपर, तो ये हो गया बेटा 100 / 1.2 ml, ये हो गया। या फिर आप इसे लिख सकते हैं 1000 / 12 ml, ये हो गया आपका, ये निकल के आ गया हमारा। यानी हमने सबसे पहले क्या किया, ग्राम को चेंज कर दिया किसमें, ml में, और इसके लिए हमने क्या किया बेटा, डेंसिटी से डिवाइड करना पड़ेगा मास में, तो हमने डेंसिटी से डिवाइड कर दिया, 1.2 ग्राम पर ml से डिवाइड कर दिया मास में, तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, वॉल्यूम कितना आ गया 1000 / 12 ml। बाल्टी थोड़ी सी खुश हुई लेकिन पूरी तरीके से खुश नहीं हुई, क्योंकि वादा हुआ था 1000 ml सॉल्यूशन में। मैंने मैथ से पूछा फिर कि मैथ ये बताओ कि क्या 1000 / 12 को 1000 बनाने के लिए कोई तरीका है, तो मैथ ने कहा बहुत ईजी है, आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बच्चों जैसे ही मैं यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करूँगा वैसे ये क्या हो गया 1000 हो गया, और यही चाहिए भी। तो मैं आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में भी कि जितने का मल्टीप्लाई आप यहां करते हैं उतने का ही मल्टीप्लाई आपको यहां करना पड़ेगा, तो 12 से मल्टीप्लाई यहां भी कर दीजिए और ये कितना हो गया 6 m या 6 मोल पर लीटर या 6 मोल पर 1000 ml या
6 मोल पर डीएम क्यूब, लीटर और डीएम क्यूब बराबर होता है, या 6 मोल पर 1000 क्यूब सेंटीमीटर। तो ये सब फार्मूला लिखने का तरीका है, इसका कन्वर्जन कर करके हमने लिख दिया। तो 6 मोल पर 1000 ml सॉल्यूशन या 1000 क्यूब सेंटीमीटर। तो बच्चों ये हमारा हो गया। इस पे एक बुक में फार्मूला भी दिया हुआ है कि जब परसेंटेज वेट बाय वेट और डेंसिटी दिया हो तो हम फार्मूले की मदद से भी ऐसे टाइप इस टाइप के प्रॉब्लम्स को हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो इसे नोट कर लीजिए और उसके बाद फार्मूले से मैं आपको बताता हूँ। आप नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। देखिए बच्चों, बुक में एक फार्मूला दिया हुआ है कैलकुलेटिंग मोलैरिटी व्हेन परसेंटेज वेट बाय वेट एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन। बच्चों मैं फार्मूला रटने के लिए कभी नहीं कहता हूँ, क्योंकि फार्मूला रटने से क्या होगा कि आप कुछ स्पेसिफिक टाइप के प्रॉब्लम्स ही कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए परसेंटेज वेट बाय वेट दिया रहेगा तभी ये फार्मूला लगेगा। अगर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम आ जाए, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आ जाए, तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा। तो आपको पूरी तरीके से बकेट स्पून कॉन्सेप्ट पे निर्भर रहना है, उसे सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे। तो देखिए बच्चों क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है पहली बार उमेंडॉन, पहली बार उमेंडॉन डिवाइडेड बाई मेल। और जब मैं ये फार्मूला बना रहा था तो उस समय लोकसभा में 10% महिलाओं को आरक्षण देने की बात की जा रही थी, तो मैंने यहाँ 10 लिख करके इस मांग का मैं क्या किया था, सपोर्ट किया था। तो बच्चों ये फार्मूला है मोलैरिटी का, पहली बार वुमेन डॉन डिवाइडेड बाय मेल इनटू 10। तो बच्चों है क्या बेसिकली, ये पहली बार वुमेन डॉन डिवाइडेड बाय मेल इनटू 10, पहली बार वुमेन डॉन। तो बेटा पहली बार वुमेन यानी PBW यानी परसेंटेज बाय वेट, यानी परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डी माने डेंसिटी इनटू क्या हो गया 10 डिवाइडेड बाई मेलर मास यानी मोलर मास, या मोलर मास ही कह दीजिए, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये हो गया बच्चों। तो ये हो गया आपका मोलैरिटी का फार्मूला, जो आपको लगभग सारे स्टडी पैकेजेस और सारे बुक में दिया हुआ है ये फार्मूला। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करके भी बच्चों हम लोग 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे उसमें दिया था 20% NaOH, तो कितना हो गया 20 इंटू डेंसिटी क्या दिया था बेटा 1.2 इंटू 10 हो गया, और डिवाइडेड बाय क्या था मॉलिकुलर वेट, तो ये क्या हो गया 40। NaOH का कितना होता है 40, तो 20 दुना क्या हो गया 40, और 2 पंजा 10, और उसके बाद 6 m। तो इस तरीके से भी हमारा वही आंसर आया। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। राइट?